देखिए, मैंने एक बार बताया था कि जब भी गैसेस का एनालिसिस करने के लिए आता है तो गैसेस का एनालिसिस हमेशा दो अलग अलग कंडीशंस पर करा जाता है और इन दोनों अलग अलग कंडीशंस पर जनरली रिजल्ट चेंज हो जाते हैं. गैसेस आर एनालाइज्ड आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दे आर एनालाइज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. गैस इज एनालाइज्ड आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर. और इन दोनों कंडीशन पर गैसेस के लिए इसका बिहेवियर अलग होता है. जैसे मैंने आपसे कहा था डेंसिटी ऑफ गैस, ये जो बात समझा रहा था मैं कि वेदर डेंसिटी ऑफ गैस इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, वहां पर यह बात मैंने डिस्कस कराई थी. मैं दोबारा उस डिस्कशन को रिकॉल कराता हूं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑन मास. मैंने पूछा था डेंसिटी ऑफ गैस यह इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव. मैंने वहां पर दो सिचुएशन बताई थी. इट डिपेंड्स आप कंडीशन के साथ. मैंने जो बताया था मैं एक और बार उस डिस्कशन को रिपीट करवा रहा हूं. मैंने कहा था इस कमरे के अंदर हम यदि एयर की बात करें, एयर इन दिस रूम इज एट कांस्टेंट प्रेशर, और इस कंडीशन पर हम चाहे जितनी गैस ले लें, एक मोल गैस लें या दो मोल गैस लें या इतनी गैस कितनी भी गैस लें, इस कमरे में एयर की जो डेंसिटी है वह मास पर डिपेंड नहीं करेगी, वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. व्हाइल इफ वी डिस्कस अबाउट एलपी गैस फिल्ड इन द सिलेंडर, हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर है उस एलपीजी सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस, नाउ दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर. अब उस कांस्टेंट वॉल्यूम में यदि ज्यादा गैस डाली जाएगी तो उसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो वॉल्यूम तो फिक्स है, डेंसिटी ज्यादा होगी. जबकि यदि उसमें से हम गैस को निकाल लेंगे, गैस का मास कम कर देंगे, तो बाकी बची हुई गैस की डेंसिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है. तो वहां पर जो डेंसिटी वो मास पर डिपेंड करेगी. वी यूज टू से डेंसिटी ऑफ गैस इज इंटेंसिव एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस इज एक्सटेंसिव एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. मतलब गैसेस का बिहेवियर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर अलग अलग होता है. मैं एक मोल गैस लेता हूं और इस एक मोल गैस का एक डिग्री सेंटीग्रेड से मुझको टेम्परेचर इंक्रीज करना, आई विश टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस, द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ गैस बाय वन डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ हाउ मच हीट वुड दिस फेनोमेना, वुड दिस प्रोसेस नीड, इस प्रोसेस में कितनी हीट कंज्यूम होगी. Once again, the heat consumed would not remain constant. It would differ depending on the condition. It would depend on whether the gas is kept at constant volume condition or the gas is kept at constant pressure condition. बड़े ध्यान से इस बात को समझो. एक बात सोचिए,
पहले खाना बनता था प्रेशर कुकर की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब प्रेशर कुकर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब ओपन वेसल में वो लोग ढकने की कोशिश करते थे, मगर कोई परफेक्टली उसको कवर करने का कोई मेथड नहीं था। ओपन वेसल में जब खाना बनता था तब हमारे घरों में चावल बनने में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता था इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टीम्ड राइस। भाई वेसल के अंदर पानी डाला, चावल डाले, भीगे हुए चावल डाल दिए और फिर उसको ढकने की कोशिश करी है, उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है और घंटे भर तक वह गर्म हो रहा है और घंटे भर के बाद वह चावल स्टीम्ड राइस तैयार हो रहे हैं, फिर वो खाने लायक हो रहे हैं। और आज के समय व्हेन वी हैव गॉट प्रेशर कुकर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रेशर कुकर व्हाट हैड हैपेंड, अब हम उस चावल को पानी के अंदर भीगे हुए चावल डालते हैं, प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रख पाते थे, पहले ओपन वेसल में कांस्टेंट प्रेशर होता था, कांस्टेंट प्रेशर पर उस चावल को बनाने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, काफी ज्यादा हीट लग रही है। प्रेशर कुकर के अंदर जब आपने चावल को रख दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अब उसी प्रोसेस को 5 या 10 मिनट के अंदर चावल बन जाते हैं। स्टीम राइस प्रिपेयर करने में 5 और 10 मिनट समय भी कम हो गया, हीट रिक्वायर्ड टू डू दैट प्रोसेस वह भी कम हो गया। नाउ व्हाट द डिफरेंसेस, प्रीवियसली वी वेयर कैरिंग आउट द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन एंड नाउ वी आर कैरिंग दैट प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। हम टर्म डिफाइन करते हैं सीवी एंड सीपी। गैसेस के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं सीवी और दूसरी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं सीपी। सीवी टर्म को तो मैं 3-4 बार इस्तेमाल ऑलरेडी कर भी दिया हूं। सीवी इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सीवी इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वाइल सीपी इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मैं समझाता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन रखी जाए और 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाए, इस फिनोमेना में जो भी हीट कंज्यूम होगी उसको हम सीवी कहेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाए तो इस फिनोमेना के दौरान जो भी हीट कंज्यूम होगी दैट इज सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाइल सीपी इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मींस कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए ओपन कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो भी हीट कंज्यूम होगी दैट इज सीपी। हम कहते हैं सीपी और सीवी की वैल्यू अलग अलग होगी, दे वुड नॉट बी सेम, दे वुड बी डिफरेंट वैल्यूज एंड दे आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन सीपी माइनस सीवी इज आर, सीपी माइनस सीवी इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर।
मैं इधर एक बात बता दूं, इफ गैस इज ट्रांसफरिंग हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन डेल्टा क्यूवी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर गैस को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी गई, इन दैट केस वन कैन ऑलवेज राइट इट वुड बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, उसका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होगा एंड दिस इज एन सी वी डेल्टा टी। और यदि कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन पर गैस को हीट दी गई, then change in temperature would be related by this. N moles gas ka delta T se temperature change karenge at constant volume condition, then this is the heat required. कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन पर एन मोल्स गैस का डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करना है, देन दिस इज द हीट रिक्वायर्ड। अब एक और एक्सप्रेशन लिख देते हैं, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा, एंड गामा is a constant for any gas, किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। इस गामा की वैल्यू क्या होती है वह लिख देता हूं, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3 और 1.66। मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दिस आर मोनो एटॉमिक गैसेस। While for diatomic gases, the value of gamma, diatomic gas के कुछ examples, पहले gamma की value लिख दो इसके लिए, the value of gamma is 7/5 or 1.4. The examples are like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। दिस आर डायएटॉमिक गैसेस, इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5 और 1.4, इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। व्हाइल फॉर ट्राईएटॉमिक गैसेस, यदि ट्राईएटॉमिक गैस है, then the value of gamma is 4/3 or 1.33. Triatomic gas ke kuch example likh deta hun, like ozone, NO2, CO2, SO2, jisme 3 atoms hote hain. This is the value of gamma kisi bhi gas ke liye. अब इन दोनों एक्सप्रेशन से सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा, इससे हम गैसेस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले अभी तक की बात पूरी देख लो, सबसे पहला मैं दोहरा देता हूं, गैस का एनालिसिस दो अलग अलग कंडीशन पर सेपरेटली करा जाता है, एक तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन।
कांस्टेंट वॉल्यूम पर रखी हुई गैस, उसका यदि टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हीट रिक्वायर्ड कुछ अलग होगी, और कांस्टेंट प्रेशर पर रखी हुई गैस, उसका यदि टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हीट रिक्वायर्ड कुछ और होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक मोल गैस का एक डिग्री केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करना है देन हीट रिक्वायर्ड इज सीवी, और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर एक मोल गैस का एक डिग्री केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करना है देन द हीट रिक्वायर्ड इज सीपी। द सीपी इज ऑलवेज अ लार्ज वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर पर आपको ज्यादा हीट देना पड़ती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको कम हीट देना पड़ती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सीवी, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सीपी, सीपी माइनस सीवी इज ऑलवेज इक्वल टू आर। हियर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वन कैन ऑलवेज राइट दिस टू इक्वेशंस, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन वुड बी इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज ऑलवेज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पर आप हमेशा एन सीवी डेल्टा टी लिखोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप एनसीवी डेल्टा टी लिखोगे और कांस्टेंट प्रेशर पर आप एनसीपी डेल्टा टी लिखोगे। दिस हीट ट्रांसफर। अब इसके बाद जो मैंने कहा कि जो सीपी और सीवी है जिनकी वैल्यू में कुछ डिफरेंस है, ये सीपी अपॉन सीवी इसका जो रेशो होता है ये फिक्स होता है एंड दैट फिक्स एंड कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय गामा। सीपी अपॉन सीवी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर, इट्स डिनोटेड बाय गामा। Now this gamma is always a constant value for any gas. किसी भी गैस के लिए गामा की कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है वो मैंने नीचे लिखी। यदि गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक गैस मतलब कौन कौन सी गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दिस आर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है। ऐसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3 और 1.66। वाइल फॉर डाई एटॉमिक गैस, यदि गैस डाई एटॉमिक है मतलब जिसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यह ऐसी गैसेस हैं इनके मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, इन गैसेस के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5, दैट इज 1.4। जबकि यदि गैस ट्राई एटॉमिक गैस मतलब एक ऐसी गैस जिसके एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, एग्जाम्पल ओजोन, NO2, CO2, SO2, दिस आर द गैसेस विच कंटेन थ्री एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, फॉर सच गैस द वैल्यू ऑफ गामा इज 4/3, 1.33। अब मैं सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, यह लिखा हुआ, इन दोनों एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करता हूं। इधर से मैं कहता हूं सीपी इज गामा सीवी, सीपी इज गामा सीवी, सीपी की जगह गामा सीवी लिखा, माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। गामा माइनस वन सीवी इज इक्वल टू आर, और सीवी इज आर अपॉन गामा माइनस वन। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज R upon gamma minus 1. And what is CP? CP is gamma CV. So gamma R upon gamma minus 1. This would be the value of CP and CV for any gas. किसी भी गैस के लिए यह सीपी और सीवी की वैल्यू होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसी समय पूछता हूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज सीपी एंड सीवी फॉर ऑक्सीजन गैस इन कैलोरीज? फॉर ऑक्सीजन गैस, क्या आप मुझे इसी समय बताएंगे फॉर ऑक्सीजन इन कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी? कैसी समय आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन गैस के लिए? मुझे आंसर आपको कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन में देना है। ऑक्सीजन गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होना चाहिए? सीधा सीधा यह इक्वेशन लगाना है, सीवी फॉर ऑक्सीजन गैसेस आर अपॉन गामा माइनस वन। आर की वैल्यू हमें कैलोरीज में लिख देनी चाहिए और ऑक्सीजन के लिए गामा की वैल्यू हमें पता है। आर की वैल्यू मैं लिखूंगा 2 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन और गामा की वैल्यू 1.4 माइनस वन। This would be CV for oxygen. What does this value come out to be? 1.4 minus 1, that is 0.4. Upar ho gaya 2.5. So 5 calories per mole per degree Kelvin. Iska matlab kya hai? 1 mole oxygen gas ka 1 degree केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें 5 कैलोरीज हीट देना होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर यदि आप 1 मोल ऑक्सीजन गैस का 1 डिग्री केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको 5 कैलोरीज हीट देना होगी। एंड व्हाट इज सीपी? सीपी इज गामा सीवी। It's 1.4 into 5. It's 7 calories per mole per degree Kelvin. इसका मतलब क्या हुआ? कि यदि 1 मोल ऑक्सीजन गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर रखते हो और उसका 1 डिग्री केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपको 7 कैलोरीज हीट देना होगी। Try to understand this concept. CV का मतलब होता है CV of oxygen is 5 calorie per mole per degree Kelvin. It means that 1 mole of oxygen gas if kept at constant volume condition and if we increase its temperature by 1 degree Kelvin then heat required would be 5 calories. While if 1 mole of oxygen gas were kept in open atmosphere kept at constant pressure condition and if we increase its temperature by 1 degree Kelvin the heat required would be 7 calories. Mujhe bataiye for neon gas what is the value of CV and CP? Answer me in जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन। इस बार आप मुझे आंसर जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन में दीजिए। वंस अगेन एज आई टोल्ड यू आर की 3 वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू हमने जूल्स में लिखी है, कैलोरीज में लिखी है, एक लीटर एटमॉस्फेयर में लिखी है। तो इस जगह पर R की वैल्यू
जूल्स में सब्स्टिट्यूट करा जाना है, क्योंकि आंसर जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन में पूछा गया है। तो इस बार मैं सीवी इस तरह से लिखूंगा, सीवी इज आर की जगह पर 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन, आर की यह वैल्यू लिख दी, अपॉन गामा माइनस वन। नाउ दिस इज नियॉन गैस, इट्स अ मोनो एटॉमिक गैस, neon gas which is a monoatomic gas, for such monoatomic gas the value of gamma is 5/3, so it's 5/3 - 1, 5/3 - 1, 2/3 means 3/2 of 8.31 joules per mole per degree kelvin, kitna aata hai zara batayenge, something I think 12.45, it's 12.45 joules per mole per degree Kelvin. This is the value of CV. Now, if this is the value of CV for neon gas, what does it physically mean? It physically means that one mole of neon gas, if kept at constant volume condition, and if we desire to raise its temperature by 1 degree Kelvin, then the heat required would be 12.45 joules. Constant volume condition par, yadi hum 1 mole neon gas ka 1 degree Kelvin se temperature ko increase karne ka prayas karenge, to wahan par 12.45 joules energy hume dena hogi. Ab CP ki value kya hogi? CP is gamma, CV means 5/3 of 12.45, 5/3 of 12.45, इसका मतलब हुआ 4.15 into 5, 20.75 joules per mole per degree Kelvin. Now what do you mean by this? CP is 20.75 joules per mole per degree Kelvin. इसका मतलब क्या हुआ? कि यदि एक मोल नियॉन गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर रख दिया जाए, मतलब ओपन करके रख दिया जाए, उसका प्रेशर चेंज नहीं होने दिया जाए, और उसका एक डिग्री केल्विन से हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें 20 जूल्स एनर्जी देना होगी, 20 जूल्स की हीट हमें देना होगी। नाउ similarly, if I ask you what is CP and CV of for carbon dioxide gas, answer me in liter atmosphere per mole per degree Kelvin. What would be CV and CP और कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सीपी और सीवी की क्या वैल्यू होगी? वंस अगेन सेम एक्सप्रेशन, आर अपॉन गामा माइनस वन। इस बार मैं सीवी लिखूंगा आर। मुझसे पूछा गया है लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन में, आर की वैल्यू हमने लीटर एटमॉस्फियर में भी लिख रखी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन अपॉन गामा माइनस वन। गामा हियर इज 4/3, गामा माइनस वन इज 4/3 - 1, 4/3 - 1 इज 1/3, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2463। दिस इज द वैल्यू ऑफ सीवी इन लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड को कांस्टेंट वॉल्यूम पर रखें और एक डिग्री केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तब हीट रिक्वायर्ड इज 0.2463 लीटर एटमॉस्फियर। और सीपी के लिए हम क्या करेंगे? सीपी इज
गामा इंटू सीवी 0.2463 कैलकुलेटेड 0.0821 × 4 0.32 0.3284 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन. दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ सीपी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अब से नोट कीजिए. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस. इनफैक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा टर्म अपीयर होता है, इसीलिए गामा टर्म को मैंने पहले समझाया है. नोट डाउन करो.